नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट 02। आज हम सीखेंगे कि घर पर ही नेचुरल एंड प्योर हर्बल एलोवेरा जेल कैसे बनाए जा सकते हैं, जिसको बनाने के लिए लागत सिर्फ आपकी 10 रुपये आती है 150 ग्राम बनाने में। दोस्तों, पतंजलि या हिमालय जैसे बड़ी कंपनियों का एलोवेरा जेल आपके जरूर यूज़ किया होगा और इंडिया के हर घर में खरीदे जाते हैं ये प्रोडक्ट। इनके रेट भी आप जानते ही होंगे, जैसे पतंजलि जो है 150 रुपये, 150 ग्राम वाला जो पैक है 80 रुपये, और हिमालय 150 ग्राम का जो है 65 रुपीज़ के पैक आते हैं। लगभग देखा जाए तो 600 रुपया पर केजी का रेस्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि इंडिया में एलोवेरा जेल का मार्केट बहुत बड़ा है और अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप इसमें 200 से 300% का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो को हम यही ब्रांडेड प्रोडक्ट किस तरह बनाए जा सकते हैं आप इस सीखेंगे और इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेट लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आप तक कई ब्रांडेड प्रोडक्ट के फार्मूला वीडियो पहुंचा सकें। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। एलोवेरा जेल बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स आप लगते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा जेल, जो एलोवेरा जेल के लीव से निकाले जाते हैं उस एलोवेरा जेल को ले लीजिए। इसके अलावा ग्लिसरिन ले लीजिए। ग्लिसरिन के बाद आप थिकनर, जिसे थिकनर बोलते हैं कितने लोग मूवियों में बनाते समय, वो थिकनर एक्चुअली नहीं होता है, वो T500 होता है, चाय पीने वाली टी नहीं होती है, वो ट्राइएथनमाइन करके इसका नाम है, ट्राइएथनमाइन इसका नाम है, जिसका मैं स्पेलिंग जो है दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको जो लेना है विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ई मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग यूज़ ज़रूर करिएगा। 6000 UI का है जो है विटामिन ई यूज़ करिएगा, उससे ये होगा ना कि ये जो है लॉन्ग लाइफ तक चलेगी, इसका 1-1.5 साल तक ये रुके रहेगी, नहीं तो एलोवेरा जेल की वजह से वो ख़राब हो जाता है, तो विटामिन ई का वही काम होता है। इसके बाद आपको लेना है कार्बोपोल। बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे उसमें सही नाम नहीं बताया गया है, अगर देखा जाए तो सही माने में इसका नाम होता है कार्बोपोल, जो पाउडर से बनता है एलोवेरा जेल, इसको सही नाम नहीं दिखाते ना, आप जानते होंगे, तो इसको सही नाम जो मैं बता दे रहा हूँ आप, इसका नाम कार्बोपोल है। कार्बोपोल आपको मिल जाएगा, इसका स्पेलिंग मैं भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो ये कार्बोपोल है, और पानी आपको इसमें पानी भी लगेगा, और कलर ग्रीन कलर चाहिए अगर आपको, आपको पता ही होगा कि ग्लिसरीन मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, विटामिन सी किसके लिए आता है वो तो आपको पता ही होगा, थिकनर जो है इसे जो है थिक करेगा एलोवेरा जेल को, और कार्बोपोल का विस्कोसिटी जो है कम होती है, और इसी के कारण जो है आपका एलोवेरा जेल जो बनेगा। अच्छा, इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको एक खाली जो है डब्बा ले ले रहा हूँ, उसमें पानी थोड़ा सा, आधा लीटर का फॉर्मुलेशन जो है उसमें मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा आधा लीटर जो एलोवेरा जेल किस तरह बनाया जाएगा उसका जो है फॉर्मुलेशन में है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले जो है आप पानी ले लीजिए, इस पानी में आप कार्बोपोल डाल दीजिए, आप देख लीजिएगा ये मिल जाएगा आपको, इजीली मिल जाता है, इसमें कार्बोपोल डाल दीजिएगा। विस्कोसिटी में थोड़ा सा हल्का होने की वजह से ज्यादा समय जल्दी नहीं घुलता है, इसको समय लेता है घुलने में, ज्यादा यूज भी नहीं कर रहा है। इसके बाद जो है आपको कार्बोपोल के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ये थोड़ा समय लेगा, ये टूटता है इसको समय लेता है, तो इसको कम से कम कितना समय लेता है वो भी बता देता हूँ। इसको अगर आप इसी तरह मिलाते रहेंगे और मिलाते रहेंगे तो कम से कम ये 1.5 से 2 घंटा लेता है समय, इससे पहले आप 5-10 मिनट में ये समय नहीं लेगा, आप इतना मान के चलिए, ये आपको मैं 100% बता रहा हूँ कि ये तुरंत घुलने वाला चीज़ नहीं है, मैंने इसीलिए इसको जो है तैयार करके रखा हुआ है। मैं आप लोग को पास दिखा रहा हूँ कि थिकनर मिक्स करने के बाद ये कैसा रिएक्ट करता है, ये देखिए अभी गाढ़ा हो गया चेंज जैसा, यही है आप देख रहे होंगे, मैंने इसमें थिकनर मिक्स किया तो ये देखिए गाढ़ापन आ गया इसमें, आपको पता होगा कि ये जो है
टी जो है वाटर को थिक करने का काम करता है। उसके बाद आप इसमें ग्लिसरिन यूज कर सकते हैं, आप इसमें ग्लिसरिन मिला लीजिए। और एलोवेरा आपका जो जेल है उसको मिक्स कर लीजिए। इसका मेजरमेंट जो है कितना कितना मिक्स करना है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इस हिसाब से पता चल जाएगा कितना कितना यूज करना है। देख सकते हो कि आप इसकी थिकनेस, ये एलोवेरा जेल आपका रेडी हो चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एलोवेरा जेल आपका, देखिए एलोवेरा जेल रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का एलोवेरा जेल यूज हो चुका है। इसमें लास्ट फूडिंग चेस यानी सी आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें विटामिन ई डाल दीजिएगा 6000 UI वाला, ताकि वो प्रिजर्व करने का काम कर सके आपके प्रोडक्ट को बहुत समय तक। और इसको लास्ट फाइनल टच जो है इसके प्रोडक्ट को आपको अच्छा दिखने के लिए इसमें आप क्रीम कलर मिक्स कर लीजिए। याद रखिए दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट जो है ग्लिसरिन लगेंगे आपको, एलोवेरा लीफ के जो एलोवेरा जेल निकाले हैं वो लगेंगे आपको, उसके अलावा विटामिन सी लगेगा आपको, और इसके बाद थिकनर जो इसे बोला जाता है T500, इसका एग्जैक्ट नाम जो है ट्राई एथनमाइन करके है, ये मैं आपको स्पेलिंग जो है डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। कार्बोपोल लगेगा आपको, जो मैंने यूज़ किया था वाइट कलर का जो पाउडर था। और आप इसमें एक चीज न भूलिएगा डालने के लिए, जिसे कहते हैं 6000 UI विटामिन ई। ये जो प्रोडक्ट है आप अगर इसे यूज करते हो तो आप जो है आपका प्रोडक्ट साल डेढ़ साल के लिए प्रिजर्व हो सकता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोडक्ट में। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और इसका मैं एलोवेरा जेल से किस तरह जेल, एलोवेरा लीफ से जेल किस तरह निकाला जाता है उस प्रोसेस से मैं आपको एक बार दोबारा ये एलोवेरा जेल बताऊंगा बनाना, हर एक अच्छे तरीके से उस समय देख लीजिएगा।